नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। नीट परीक्षा में पेपर लीक और धांधलियों की सीबीआई जांच ने गति पकड़ ली है। ये धांधली कई राज्यों में हो रही थी। नीट मामले में सीबीआई ने पहली गिरफ्तारियां की हैं। बिहार में सीबीआई ने पटना से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने मनीष प्रकाश और आशुतोष को गिरफ्तार किया। मनीष प्रकाश छात्रों को अपनी गाड़ी में लाने और ले जाने का काम करता था, जबकि आशुतोष के घर में छात्रों को ठहराया जाता था। दोनों को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। लेकिन इसी मामले में अब दिल्ली से भी खबर आ रही है। आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक सरकार नीट पर विपक्ष के हर सवालों का जवाब देने को तैयार हो गई है। अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष का कोई सदस्य ये मामला उठाता है तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दखल दे सकते हैं। शिक्षा मंत्री धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ही नीट पर दे सकते हैं बयान। और इस बारे में आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी अखिलेश शर्मा के पास। अखिलेश, ये महत्वपूर्ण है जिस तरह से ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि हम जान रहे हैं अभी दिखाएंगे किस तरह से विपक्ष है इस मामले को काफ़ी तूल दे रहा है। क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, विपक्ष काफ़ी आक्रामक है नीट के मुद्दे को लेकर। हमने देखा था कि जब धर्मेंद्र प्रधान अपनी शपथ लेने के लिए जा रहे थे तब भी नीट नीट के नारे लगाए गए, और आज भी जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हो रहा था, जब उन्होंने युवाओं के रोजगार के बारे में बात की, परीक्षा सिस्टम के बारे में बात की, तब भी विपक्ष की ओर से नीट नीट की बात कही गई। तब राष्ट्रपति को बोलना पड़ा कि सुनिए सुनिए। फिर उन्होंने आगे कहा कि पेपर लीक की बात हो या कुछ और इस तरह के मामले हों, उनकी सरकार इस पर कठोर कार्रवाई कर रही है, कानून भी बनाया गया है, साथ ही कई अन्य राज्यों में भी पेपर लीक के मामले सामने आए। अब सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जहां विपक्ष कल से ही इस मामले को उठाने की तैयारी कर रहा है, वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इसके लिए तैयार हैं जवाब देने के लिए। सरकार हर मुद्दे पर, हर सवाल जो उठाए गए विपक्ष की ओर से या और भी कहीं जो सवाल आए, उन तमाम सवालों का जवाब देगी। अभी तक सरकार ने इस पर कई कदम उठाए हैं। नीट के जो डायरेक्टर थे उनको हटा दिया गया है एनटीए के, और इसके साथ साथ सीबीआई को इसकी जांच की जिम्मेदारी वो भी सौंप दी गई है, और एक उच्च स्तरीय समिति बना दी गई है राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में। 24 तारीख को इस समिति की बैठक भी हुई थी, जिसमें कहा गया कि अगले 15 दिनों के भीतर ही छात्रों से, उनके अभिभावकों से चर्चा की जाएगी, और साथ ही एक रोबस्ट सिस्टम कैसे बने इस पर समिति विचार विमर्श करके अपनी रिपोर्ट देगी। तो सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, और सरकार जानती है कि विपक्ष इसको लेकर काफ़ी आक्रामक है, इसलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान, चर्चा के दौरान भी विपक्ष के कुछ सांसद ये मामला उठा सकते हैं, और तब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दखल दे सकते हैं, इंटरवीन कर सकते हैं, और इस मुद्दे पर जो भी सवाल हैं विपक्ष के, उनका जवाब अपनी ओर से दे सकते हैं। हाँ अखिलेश, अगर ये, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने इस पर एक बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तमाम सवालों के जवाब उन्होंने वहाँ पर दिए थे, लेकिन आज जिस तरह से, अभी हम दिखाएंगे कार्यक्रम में आगे किस तरह से एनएसयूआई के जो छात्र हैं एनटीए के दफ्तर में घुस गए, अंदर से ताले लगाएं, तो जो विपक्ष के तेवर आक्रामक हो रहे हैं उसके मद्देनज़र ये कदम महत्वपूर्ण हो सकता है। निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि सरकार भी जानती है कि इस मुद्दे पर वो काफ़ी दबाव में हैं, और यही कारण है कि शिक्षा मंत्री को न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी बल्कि आनन फानन में कई फैसले भी उठाने पड़े हैं, जिसका कि मैंने जिक्र किया कि सीबीआई को जांच सौंप दी गई, साथ ही जो एनटीए के डायरेक्टर थे उनको हटा दिया गया, और साथ ही एक कमेटी भी बना दी गई। तो ये सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी आज ये कहा गया कि कई अन्य राज्यों में भी पेपर लीक के मामले हुए हैं, और बीजेपी एक के बाद एक कई इन राज्यों के नाम बता चुकी है कि राजस्थान जब कांग्रेसी सरकार थी या अन्य राज्यों में जहाँ पर विपक्षी शासन है वहाँ पर भी इस तरह के पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। तो इसलिए ये एक राष्ट्रव्यापी समस्या है, सरकार इसको इस रूप में पेश करना चाह रही है, और वो ये भी कह रही है कि पेपर लीक को लेकर के जो कानून पिछले लोकसभा में पारित किया गया था उसके नियमों को अब लागू कर दिया गया, तो इसके बाद अब इस तरह के मामलों को रोकने में ज़्यादा तेज़ी आएगी। इसके साथ साथ जो एक तरह का लगातार अफवाहें भी चल रही हैं उनका भी खंडन लगातार किया जा रहा है शिक्षा मंत्रालय की ओर से। अभी कुछ फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर शेयर किए गए थे, इसमें कहा गया था कि एक एग्ज़ाम के जो पेपर हैं वो खुले पड़े हैं, लेकिन उसको भी खंडन किया गया, कहा गया कि ये जो डिब्बे हैं इनमें पेपर्स नहीं थे। तो एक के बाद एक इस तरह की जो अफवाहें भी फैल रही उनका भी सरकार अपनी ओर से पुरजोर तरीके से खंडन करे, ताकि कहीं भी पैनिक ना फैले और छात्र जिनका भविष्य इस पर दांव पर लगा है उनके अपनी समस्याओं का समाधान हो सके। बिल्कुल, धन्यवाद आपका अखिलेश इस जानकारी के लिए। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर अगर विपक्षी मामला उठाता है तो इस पर शिक्षा मंत्री कल दखल देके जवाब दे सकते हैं। तो आइए नीट पर जिस तरह से जांच चल रही है वो भी बता दें। जैसे आपको बताया कि बिहार में सीबीआई ने
पटना में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने मनीष प्रकाश आशुतोष को गिरफ्तार किया। ये इस मामले में नीट में पहली दो गिरफ्तारियां हैं नीट की सीबीआई की तरफ से। तो मनीष प्रकाश छात्रों को अपनी गाड़ी में लाने और ले जाने का काम करता था, जबकि आशुतोष के घर में छात्रों को ठहराया जाता था। दोनों को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। और आइए सीधे चलते हैं, अपने सहयोगी प्रभाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, तो दो सीबीआई ने गिरफ्तारियां कर ली हैं, जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है? देखिए, ये दो जो गिरफ्तारियां हुई है सीबीआई की तरफ से, पहली गिरफ्तारी है। सीबीआई ने दो दिन पहले इस केस की कमान संभाली और उसके बाद से आशुतोष और मनीष को गिरफ्तार किया। जैसे आपने बताया, आशुतोष जो है वो लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करता था। आशुतोष जो है वो जगह मुहैया कराता था जहाँ बच्चे आते थे, और जो बच्चे जिन्होंने पैसा दिए हैं, जिन्होंने पैसे दिए थे इसके लिए, वो आते थे, उन्हें क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दिया जाता था और वो तैयारी करते थे, उसको याद करते थे, सो दैट कि वो परीक्षा में जब जाएँ, जिस दिन परीक्षा हॉल में, तो जाके वो अपना आंसर लिख सकें, सही से लिख सकें। जो मनीष था उसके जिम्मे काम था लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्टेशन का सपोर्ट प्रोवाइड करना। वो बच्चों को अलग अलग जगह से अपने घरों से उठाता था, उन्हें उस स्कूल में ले आता था जहाँ उन्हें रखना होता था, और उसके बाद सीधा उन्हें एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर ड्रॉप करता था। तो ये दो जो हैं इस गिरोह की महत्वपूर्ण कड़ी थे, लॉजिस्टिक सपोर्टर थे दोनों, जो ग्राउंड पे काम कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया। इनको मिला के कुल 19 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। जो 17 गिरफ्तारियाँ थी पहले, वो ईओयू इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने की थी, और ये दो गिरफ्तारी है ये सीबीआई ने की है। और अब इसके साथ साथ जो है वो हजारीबाग में, रांची में भी जो है सीबीआई की टीम ने दबिश बनाई हुई है। सीबीआई की टीम जो है वो हजारीबाग में जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के, ओएसएस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, उन्हें हिरासत में नहीं लिया है, लेकिन उन्हें डिटेन किया हुआ है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनका इंट्रोगेशन किया जा रहा है। और साथ ही जो कुरियर कंपनी है, जो ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी है, जो काफ़ी समय से जो घेरे में थी और जो स्कैनर के अंदर थी, उसे भी, उनके दो मैनेजर जो हैं उन्हें भी लेके पूछताछ की जा रही है, और उनसे भी पूछताछ करके सीबीआई यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो पेपर लीक का मसला हुआ है वो कहाँ से हुआ है, क्या उसके लिए स्कूल जिम्मेवार है, क्या उसके लिए कुरियर कंपनी जिम्मेवार है। तो कुल मिला के बिहार झारखंड में, चाहे वो हजारीबाग हो, रांची हो, चाहे वो पटना हो, बहुत सारी जगहों पे सीबीआई की टीम लगातार काम कर रही है। उन 17 लोग जो पहले अरेस्टेड थे, उसमें से दो लोग जो हैं, रिंकू कुमार और मुकेश, इन दोनों को सीबीआई ने रिमांड पे ले लिया है, और इनको 7 दिन के रिमांड पे लेके इनसे भी पूछताछ कर रही है। तो एक तरह से सीबीआई जो है उसका जाँच अब जो है वो पूरी तरीके से बिहार झारखंड में काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, और सीबीआई के अधिकारी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही ये जो पूरी गुत्थी है इसे वो सुलझा पाएंगे। गुत्थी ये है कि आखिर पेपर लीक हुआ कहाँ से, कौन इसके लिए मुख्य तौर पर जिम्मेवार हैं, और वो कड़ी से कड़ी जो डॉट कनेक्ट करना जिसे बोलते हैं वो करने में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल प्रभाकर, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए, जो पहली दो गिरफ्तारियां सीबीआई ने की हैं। तो आपको बता दें, नीट और यूजीसी नेट पेपर लीक को लेकर विपक्ष सरकार पर दबाव बनाए हुए है। वो इस मामले की निष्पक्ष जाँच और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रही है। इसी सिलसिले में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है। और आपको जी पहले ये दिखाते हैं, इसके बाद और क्या हुआ है आगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये प्रदर्शन पहले एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने किया। और ये प्रदर्शन सिर्फ जंतर मंतर पर ही नहीं, सीधे एनटीए के दफ्तर के अंदर तक पहुंच गया, जहां 100 से ज़्यादा एनएसयूआई के कार्यकर्ता घुस गए और अंदर से ताला लगा लिया। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया हुआ है। हमारे सहयोगी अश्विन सिंह एनटीए के दफ्तर के बाहर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विन, क्या हालात है इस समय वहाँ पर? जी, इस वक्त हमें एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के दफ्तर के बाहर, ये वही बिल्डिंग है जहां पर एनएसयूआई के छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे। एनएसयूआई काफ़ी लंबे समय से नीट पेपर और यूजीसी नेट को लेकर एनटीए की जो कार्रवाइयां हैं, जो पेपर लीक, उसके बाद एक पेपर को जो पोस्टपोन किया गया था, उसको लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। आज एक प्रोटेस्ट को कॉल किया गया था एनएसयूआई के द्वारा एनटीए की बिल्डिंग के बाहर, और उसके बाद जो एनएसयूआई के छात्र हैं, करीब 100 से 200 के संख्या में प्रदर्शन करते हुए छात्र इस बिल्डिंग के अंदर सीधे घुस गए। इस बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर, जहां पर एनटीए का
ऑफिस है उसके अंदर घुस गए और घुसने के बाद उन्होंने बाहर से इस पे ताला लगा दिया गया वहाँ जो मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि करीब 200 की संख्या में छात्र आए थे, वो नारेबाजी कर रहे थे कि एनटीए बंद करो, एनटीए को बंद करो, ये नारा लगाते हुए एनसीआई के छात्र अंदर गए, उसके बाद उन्होंने ताला लगा दिया। कुछ देर वो अंदर है, उसके बाहर आए, इस दौरान पुलिस मौजूद थी, लेकिन जैसा आपने बताया कुछ बच्चों को डिटेन किया गया है। हालांकि काफ़ी छात्र जो थे प्रदर्शनकारी वो चले गए, उसके बाद पुलिस की टीम आई और अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी पुलिस का पहरा है यहाँ पर, काफ़ी पुलिस की टीमें हैं। फर्स्ट फ्लोर जहाँ एनटीए का ऑफिस है वहाँ पर भी पुलिस है और ये मेन बिल्डिंग है जहाँ पर पुलिस की तैनाती है। अभी जो उच्च अधिकारी हैं पुलिस के वो भी गए हैं, हालांकि उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, उन्होंने कहा कि इस बारे में बाद में बात किया जाएगा। लेकिन बताते हैं कि नीट पेपर में लीक की जो बात है, उसके बाद यूजीसी नेट का पेपर रद्द होना, उसके बाद सीएसआईआर नेट का पेपर जो पोस्टपोन कर दिया गया, उसके बाद से ऑपोजिशन तमाम इन मुद्दों को लेकर एनटीए पर सवाल कर रहा है, सरकार पर सवाल कर रहा है। उसी के सिलसिले में एनएसयूआई आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहा था, जिसके बाद हमने देखा कि वो सीधे बिल्डिंग के अंदर घुस गए। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विन इस जानकारी के लिए, वहाँ से स्थिति से अवगत कराने के लिए कि फिलहाल वहाँ पे अब स्थिति शांत है, किस तरह से एनएसयूआई के जो छात्र हैं कार्यकर्ता हैं वो एनटीए ऑफिस के अंदर चले गए थे अंदर और अपनी मांगे सामने रखी थी निष्पक्षता को लेकर। और अब बात रीट परीक्षा की, यानी राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स। राजस्थान के बांसवाड़ा में रीट समेत कई भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। फर्जी डमी कैंडिडेट्स मामले में पुलिस ने अलग अलग सरकारी स्कूलों में नियुक्त 9 शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसमें 7 शिक्षक हैं लेवल 2 और 2 लेवल के हैं। इस मामले में अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि जालौर निवासी मुख्य सूत्रधार वीराराम भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। जानकारी के मुताबिक कई लोग पुलिस के रेडार पर हैं। उधर लातूर पेपर लीक केस में पुलिस ने अब तक करीब 14 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। इनमें से कुछ अभिभावक और छात्र हैं जिनके एडमिट कार्ड आरोपी शिक्षक जलील पठान और संजय जाधव के मोबाइल फोन से मिले। कुछ ऐसे संदिग्ध भी हैं जिन पर शक है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों के मोबाइल फोन गैलरी में 14 एडमिट कार्ड मिले हैं। इनमें से कुछ 8 से 9 एडमिट कार्ड पटना के स्कूल के हैं, जबकि विद्यार्थी लातूर के रहने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक लातूर पुलिस ने इन संबंध में बिहार पुलिस से भी संपर्क किया। इस बीच मामले में सबसे पहले गिरफ्तार आरोपी शिक्षक जलील पठान के बारे में पता चला है कि दिव्यांग होने के नाते उन्हें प्रमोशन देकर मुख्य अध्यापक बनाया गया था, लेकिन अब जानकारी आ रही है कि दिव्यांगता का उनका प्रमाण पत्र फर्जी हो सकता है। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी सुनील सिंह। लातूर पेपर लीक केस में पहले दिल्ली से तार जुड़ा और अब जानकारी आ रही है कि चूंकि जो 2 आरोपी शिक्षक गिरफ्तार हैं जलील पठान और संजय जाधव, उनके पास से मिले एडमिट कार्डों में कुछ कार्ड जो हैं तकरीबन 8 से 9 वो पटना के स्कूल से हैं, तो इसका तार जो है अब बिहार से जुड़ गया है और खबर जो है कि ये बड़ी और संगीन भी हो गई है। सवाल उठने लगा है कि कहीं जो बिहार में पेपर लीक के केस के जो आरोपी पकड़े गए हैं उस गिरोहबाजों से ये जो दोनों शिक्षक गिरफ्तार हैं उनके संपर्क में नहीं थे, लेकिन ये बात इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रही है फिलहाल क्योंकि मामले में 2 आरोपी अब भी फरार हैं। एक हैं इरन्ना जो कि धाराशिव के एक आईटीआई संस्था में सुपरवाइजर के तौर पर काम कर रहे थे, वो अभी तक फरार हैं, और दूसरा है गंगाधर जो कि दिल्ली में रह रहे हैं, हालांकि मूल रूप से रहने वाले वो सांगली के ही बताए जा रहे हैं। तो जो संबंध अब तक जानकारी जो मिली है कि ये जलील पठान और संजय जाधव ये बच्चों से या उनके पालकों से पैसे जमा करते थे, उनको साथ में लेते थे, फिर उनकी जानकारी वो इरन्ना को देते थे, इरन्ना फिर गंगाधर को देते थे और फिर गंगाधर आगे उस बात को बढ़ाते थे और गिरोहबाजों तक जो भी मास्टरमाइंड है उस तक पहुंचाते थे। लेकिन चूंकि दोनों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है तो मामला वहां तक जाँच की प्रगति वहां तक रुकी हुई है, तार आगे सीधे जुड़ता नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन इस बीच लातूर पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो जानकारी मिली है कि दोनों के पास से अब तक कुछ 14 एडमिट कार्ड के कॉपी मिले हैं उनके फ़ोन गैलरी में, तो इस संबंध में अब तक तकरीबन 14 लोगों की पूछताछ हुई है जिसमें कुछ अभिभावक हैं, कुछ उनके बच्चे हैं,
और साथ में कुछ ऐसे संदिग्ध लोग भी हैं जो शायद शिक्षक हो सकते हैं, ऐसे लोगों से भी पूछताछ हुई है, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि सिर्फ ये तीन शिक्षक ही इस पूरे रैकेट में शामिल नहीं थे बल्कि कुछ और भी लोग थे। तो फिलहाल उनकी बयान लिया जा रहा है, उनके इस भूमिका को फिलहाल यहाँ पर परीक्षण किया जा रहा है। इस बीच ये जानकारी मिली है कि जो पहले आरोपी हैं जलील पठान, वो उम्र 37 साल की है, लेकिन वो जिला परिषद स्कूल में मुख्य अध्यापक बन गए थे, तो उन्हें वो एक प्रमोशन के तहत बने थे जो कि दिव्यांग होने के तहत उन्हें प्रमोशन मिला था। तो ये जानकारी मिल रही है कि पहले जब स्कूल में जब भर्ती हुई थी तब वो दिव्यांग नहीं थे, तब उन्होंने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया था, लेकिन साल 2016 में जब प्रमोशन के वक्त आया था तब उन्होंने एक दिव्यांग का सर्टिफिकेट दिया था और उसी के आधार पर उन्हें प्रमोशन मिला था। तो जब इसकी शिकायत हुई तब उस मामले की जाँच की जा रही है और यहाँ पर जिला परिषद का ऐसा कहना है कि उसकी शिकायत आई है, बताया शिकायत यह है कि वो जो उनका प्रमाण पत्र है दिव्यांगता का वो फर्जी है, लेकिन चूंकि वो महाराष्ट्र सरकार से प्रमाणित होकर यहाँ पर आया है इसलिए संबंधित विभाग को वापस भेजा गया है और जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आती है तब तक उस पर कुछ कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, जिस तरह के कृत्यों में वो शामिल हैं वो उससे उनको फिलहाल निलंबित कर दिया गया है और उनकी जो विभागीय जाँच चल रही है उसमें अगर ये फर्जी पाया जाता है तो ये एंगल भी उसमें जोड़ दिया जाएगा। लातूर से कैमरामैन प्रवीण ढोसा, सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, आपके लिए एक सवाल है जिस पर आप अपनी राय हमें क्यूआर कोड को स्कैन करके दे सकते हैं। तो सवाल यह है कि क्या आज इंग्लैंड को हराकर टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचेगी? तो आप अपना जवाब हमें जरूर भेजिएगा। और एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद आपको ले चलेंगे हरिद्वार। वहां पे एक 13 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है, इस पर और जानकारी देंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हेलो मोटो, मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। मोटोरोला प्रेजेंट्स टॉप स्टोरीज। हरिद्वार में 13 साल की एक लड़की के गैंगरेप के बाद हत्या करने के मामले में बीजेपी के नेता आदित्य राज सैनी के साथ अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया है। नाबालिग की हत्या और गैंगरेप के मामले में हरिद्वार पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया जबकि 3 लोग अभी फरार बताए जा रहे हैं। मामले में नाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य आदित्य राज सैनी को पार्टी से निकाल दिया है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने भी ओबीसी आयोग के नामित सदस्य के पद से भी हटा दिया है। और आइए सुनते हैं क्या कहना है भाजपा के नेता विधायक जो है विनोद चमोली का। मामला गंभीर है इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया है, उनको पार्टी से निष्कासित किया है। कानून भी अपना काम कर रहा है, लेकिन जब हम सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो कहीं ना कहीं चरित्र की सुचिता और वाणी की विनम्रता ये हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कोई भी सार्वजनिक जीवन में। अगर तो हमको भी ये देखना चाहिए कि किसी की जिसको हम पार्टी में आगे कर रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि क्या है। अगर कहीं पर भी लगता है कि पहले कोई इस प्रकार के आपराधिक गतिविधियाँ रही हैं या ऐसे मामलों में कोई लिप्त रहा है तो हमको उसको दूर रखना चाहिए, पार्टी से भी दूर रखना चाहिए और दायित्वों से तो पूरी तरह दूर रखना चाहिए। और वहाँ के SSP ने कहा है कि हरिद्वार पुलिस ने बताया कि इस मामले में एक महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आदित्य राज सैनी को यह पता था कि यह लड़की की सुबह मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद भी उसने पुलिस को इस संबंध में न तो कोई सूचना दी न ही और इसके साथ साथ इसको कंसील करने का भी प्रयास किया, इसलिए आदित्य राज सैनी को 120B में हम लोगों ने इसमें शामिल किया है। और साथ में और बार बार वो जो मृतका की माँ है उसको पुलिस के पास जाने से रोकता रहा, ये गंभीर प्रवृत्ति का अपराध है इसलिए पुलिस के द्वारा उसकी भी अरेस्टिंग की जाएगी। साथ में 2 अन्य लोग जिनको अभी पुलिस के द्वारा नहीं पकड़ा गया उनकी भी अरेस्टिंग की जाएगी। अभी 3 लोग वांछित चल रहे हैं, 6 लोगों की अरेस्टिंग पुलिस के द्वारा की गई।
उत्तराखंड के हरिद्वार में नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप व हत्या के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 3 लोगों पर भी और मुकदमा दर्ज है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में 9 लोग हैं। हालांकि जो 3 लोग हैं ये अभी फरार चल रहे हैं और पुलिस की टीम इन्हें लगातार तलाश करने का प्रयास कर रही है। इनमें एक बीजेपी नेता आदित्यराज सैनी है जिन पर 120 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ओवरऑल अगर देखा जाए इस मामले में पुलिस ने जो खुलासा किया उसमें करीबन 9 लोग इसमें शामिल है और पुलिस के मुताबिक जिस तरीके से पुलिस ने इस मामले को 5 टीमें गठित की थी और 900 से ज़्यादा CCTV चेक किए थे, 100 से ज़्यादा CDR मोबाइल फ़ोन की लोकेशन देखी गई थी और 500 से ज़्यादा लोगों पर पूछताछ की थी, उसके बाद ये मामला खुलासा किया है जिसमें सामने आ रहा है कि इस नाबालिग लड़की को 23 जून की रात को उसके भाई के दोस्त है नितिन नाम का, वो घर से पार्टी के बहाने ले गया था और वहां पर इसको नशीला पदार्थ कराकर इसके साथ गैंगरेप किया। उसके अलावा इसको घर छोड़ा और इसको धमकाया भी कि वो किसी को ये बात ना कहे। इसके अलावा जो अमित सैनी नाम का व्यक्ति जिसका नाम सामने आ रहा है, जिस पे भी मुकदमा है, उसमें ये बात सामने आ रही है कि जैसे ही इस लड़की ने उसको बताया और वो काफ़ी नाराज़ हुआ और उसके परिवार और अमित सैनी ने उसके साथ मारपीट की और उसको हाईवे पे छोड़ दिया और तब तक उस वहाँ पर छोड़ के रखा जब तक वो उसका एक्सीडेंट नहीं हो गया और उसकी डेथ नहीं होगी। इसके अलावा आदित्यराज सैनी के बारे में बताया जा रहा है, उसको इस पूरे मामले की जानकारी थी, लड़की की डेथ के मामले में जानकारी थी, लेकिन उसने पुलिस को इस बारे में जानकारी नहीं दी, ना ही सहयोग किया। इसके अलावा मृतका की माँ को भी पुलिस के पास जाने से रोका गया, इस लिहाज से उस पर 120 का मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि आदित्यराज सैनी फरार है जिसकी लगातार पुलिस तलाश कर रही है। कुल मिलाकर ये पूरा मामला जब सामने आया तो भाजपा संगठन ने आदित्यराज सैनी जो कि भाजपा के OBC मोर्चे के सदस्य थे उनको तत्काल पार्टी से निष्कासित किया। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार में OBC आयोग में नामित सदस्य थे, सरकार ने भी एक्शन लेते हुए इसको हटाया। कुल मिलाकर पुलिस ने इस मामले में खुलासा किया है और ये काफ़ी गंभीर है। दिल्ली में पानी पर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है तो दिल्ली सरकार के मंत्री आमरण अनशन करके अस्पताल में हैं। लेकिन पानी की समस्या से कैसे दिल्ली वालों की रातें खराब हो रही हैं, देखिए असोला गांव से हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। सर, हम लोग एक एक बूंद के लिए परेशान, पानी एक एक न विधायक सुनता है न यहाँ के MLA, कोई नहीं सुनता है यहाँ का। हम लोग के बात आज भी गए थे ऑफिस पर के आए, बोले टैंकर भेजवा रहे, अभी तक सोच लीजिए पानी नहीं है। हम लोग बाहर से कितना महंगा खाना खाएंगे, क्या क्या करेंगे बाहर से। हमारे सांसद है, हमारे विधायक है, हमारे काउंसलर है, लेकिन दुर्भाग्य से देखो कि यहाँ कोई भी सुनने वाला नहीं है। पूरा छतरपुर विधानसभा इतना तराई तराई हो रहा पानी के लिए। अभी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वहाँ से भर के लाना पड़ता है। टैंकर मंगवाए तो हम कहाँ से हज़ार रुपए के पाइप लाए, चार हज़ार रुपए की टंकी लाए, कहाँ से लाए। हम यहाँ गरीब आदमी हैं, कहाँ से लाए बताइए। मैं इस वक्त दक्षिणी दिल्ली के असोला गांव में मौजूद हूँ। यहाँ पर रात के इस वक्त 9 बज रहा है और आप देखिए कि पूरी टंकी खाली है और बूंद बूंद पानी के लिए लोग यहाँ पर तरस रहे हैं। आमतौर पर जब ज़्यादातर दिल्ली जो है वो अपने घरों पर इस वक्त खा पी कर आराम कर रही होती है, तब असोला गांव के लोग इस तरीके से जो डब्बे हैं उनको लेकर तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर पानी की खोज में निकल पड़ते हैं। असोला के इस मकान में रात को पानी के लिए कुछ इस तरह की जद्दोजहद चल रही है। मकान की अंडरग्राउंड टंकी में 10,000 लीटर पानी भरा है जिसे लेने के लिए 100 से ज़्यादा लोग हड़बड़ाहट के शिकार हैं। ये शहरी कुआं है जहां रस्सी में बाल्टी भरकर पानी निकालने की सुनीता भरसक कोशिश कर रही हैं। ये आप देखिए कि ये बिल्कुल जैसे गांव में नहीं एक कुआं होता है और उससे हम लोगों ने बचपन में कुएं से पानी खींचा है, तो यह आप देखिए कि ये भी एक घर में
एक अंडरग्राउंड टंकी है और ये टंकी में जो है वो पानी टैंकर से आता है, फिर टैंकर से इसमें जमा किया जाता है और फिर जो है वो पानी निकाला जाता है और यहाँ से फिर जो है ये देखिए सारी जरिकैन में भर के और फिर लोग यहाँ से लेकर जाते हैं। पानी की किल्लत है, लिहाजा हर तीसरे दिन टैंकर इस भूमिगत गहरे टैंक में पानी भरता है और एक दिन में केवल 3 कनस्तर पानी ही लिया जा सकता है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो रामा देवी को सुन लीजिए। बस 1-3 कट्टी मिलती है पूरे दिन में, बाल बच्चे काम चलाते। 3 कट्टी? 3 कट्टी बस। हाँ, तीन कट्टी में पूरे फैमिली रहते हैं अपने काम और चलाते हैं। आप लोग तीन हम लोग तो तीन फैमिली है। 3 लोग हैं। सोचिए 3 लोग हैं और 1, 2 और 3 तीन जो जरिकेन हैं ये पानी मिलता है। असोला गांव के महज 10% घरों में पानी आता है। जलस्तर पाताल में पहुंच चुका है, लिहाजा यहां के ट्यूबवेल फेल हो गए हैं। अब आपको भागमती देवी के घर लेकर चलते हैं। पति को कैंसर है, 3 महीना पहले पानी लाते वक्त 67 साल की भागमती देवी का कूल्हा टूट गया। अब बूंद बूंद पानी के लिए रिश्तेदारों के इन बच्चों पर निर्भर हैं। ये आप देखिए, ये इस घर में ये पानी के ही तमाम सारे बर्तन रखे हुए हैं। ये पानी का जो है ये सिर्फ यही आप लोगों के भरने का है, आता नहीं है? और नहीं है। और नहीं है? यही नहीं भरे जाते, कहाँ तक ढोएंगे। अच्छा, रोज ढो के लाते काम चलाने के लिए। कितना ढोएंगे, कहाँ तक ढोएंगे। ये तो भयानक गर्मी पड़ रही है, इसमें गर्मी पानी गर्मी का और ज्यादा किल्लत होती होगी। और बहुत ज्यादा गर्मी, हार्ट की पेशेंट बहुत ज्यादा पसीना आता, जी घबरा जाता है। ये देखिए ये पानी है। ये तो पानी में बताओ क्या करें, कहाँ तक बालक ले आवे, किसी तो मांग लेते हैं भैया, हम का पानी नहीं है, अब हमारे बस की नहीं है। जब हमारे बस की नहीं है तो हम पानी कहाँ तक ढोवे। तो ये आप देखिए कि ये तो बच्चे लेकर आते हैं कभी? बच्चे लेकर आते हैं दूर दूर तक, बच्चे इनको यूएस स्कूल को भी जा, अपना काम भी कर रहे हैं, नहीं ले आके दे मैं बताओ कहाँ तक करें। जो टैंकर नहीं मंगा सकते वो रात के अंधेरे में साइकिल पर कनस्तर लेकर इस तरह पानी की खोज में निकलते हैं। लेकिन रात 2 किलोमीटर दूर पानी की ये खोज इस प्यासे इलाके में आसान नहीं है। एक डेयरी वाले हैं, वो बेचारे वो कह देते हैं भाई कोई बात नहीं है, गर्मी है, आप लोग परेशान हो, हमारे यहाँ से ले जाओ। तो मैं खुद भी लेकर आता हूँ, दोनों टाइम लाता हूँ जी पानी। मैंने पशु रख रखे, मेरे पशु प्यासे बंधे हुए हैं जी, इतनी प्रॉब्लम है और कोई सुनवाई नहीं होती जी। सरकार बिल्कुल जो है कान बंद करके बैठे हुए हैं और टैंकर माफियान का इतना जोर है सर, मन मर्जी के पैसे मांगते, कहाँ से देंगे जी हम उनको पैसे। लेकिन पानी की इस किल्लत में चांदी काटने वालों की कमी नहीं है। आपदा में सबसे बड़ा अवसर टैंकर माफियाओं को मिला है। सूत्रों की माने तो 1,000 लीटर पानी का टैंकर जो पहले 500 से 600 रुपए में आता था अब बढ़कर 700 से 1,000 रुपए में हो गया है। 5,000 लीटर का टैंकर जो पहले 1,500 रुपए तक था वो अब बढ़कर 2,000 रुपए हो चुका है, जबकि 35,000 लीटर पानी का टैंकर 10 से 12,000 रुपए में बिक रहा है। सरकारी टैंकर आता ही नहीं है, प्राइवेट टैंकर मंगवाते हैं, वो बंद नहीं हुए लेकिन वो महंगे बेच रहे हैं। कितना एक टैंकर का है? एक टैंकर के 5-6 हजार रुपए लेते हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट में गंभीर चिंता व्यक्त करते कहा गया है कि उपलब्ध लगभग सभी भूजल को निकाल लिया गया है। इसका मतलब 99.1% भूजल निकाला जा चुका है। ऐसे में सवाल उठता है, जब दिल्ली में भूजल निकालने में रोक लगी है तो प्राइवेट टैंकर माफिया कहां से पानी बेचकर करोड़ों कमा रहे हैं? और पानी की किल्लत का समाधान खोजने के बजाय नेता धरना प्रदर्शन और जल मंत्री आमरण अनशन करके क्या सिर्फ चुनावी फायदा लेना चाहती हैं?
नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। देश की बात में बात अब बारिश की। तेज तपिश और धूप के बाद अब बरसात का मौसम दस्तक देने लगा है, लेकिन बारिश के साथ साथ बिजली का कहर भी टूट रहा है। राजस्थान के भरतपुर में बारिश के दौरान आसमान से बिजली गिरी। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि कैसे एक पूरे मकान में बिजली गिरने से दरारें आ गईं। कल रात भर तेज हवा के साथ बारिश होती रही। बिजली गिरने की ये घटना नाथद्वारा थाने के कल्लाखेड़ी बांडीनाल की बताई जा रही है। उधर जोधपुर में भी हो रही है बारिश, लेकिन कई बार ज्यादा बारिश परेशानी का सबब बन रही है। यहां जोधपुर में शहर के भीतरी इलाकों में लबालब पानी बहने लगा है। पानी इतना ज्यादा है कि छोटी गाड़ियां भी खिलौनों की तरह तैर रही हैं। चांदपोल से लेकर जालौरी गेट तक सड़कों पर 3-3 फीट पानी भरा हुआ है। अन्य क्षेत्रों में भी जमकर बारिश हो रही है। उधर दौसा में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई। 11 KV लाइन के टूटे तार से मकानों में करंट दौड़ गया, जिससे एक शख्स घायल हुआ है और घरों में लगे बिजली के उपकरण फूक गए हैं। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसका इलाज चल रहा है। ये मामला लालसोट के डीडवाना गांव का है और इस घटना के बाद यहाँ के गाँव वालों में बिजली विभाग के खिलाफ काफ़ी नाराजगी है। उधर राजस्थान के कोटा शहर में मॉनसून की दस्तक के साथ सड़कों पर मच्छरों का शिकार बता दे तलाश में अब देख सकते हैं किस तरह की स्थिति है। बजरंग नगर कनाल रोड पर एक कार चालक को सड़क पार करते हुए भारी भरकम मगरमच्छ नजर आया, तो उसने मोबाइल फोन कैमरे में उसका वीडियो रिकॉर्ड किया। मगरमच्छ की तस्वीरें देखने पर अंदाजा लग रहा था कि इसकी लंबाई करीब 10 फीट की होगी। भैया क्या हुआ? और इन्हीं तस्वीरों के साथ देश की बात में इतना ही। नमस्कार।